नमस्कार दर्शकों, मैं सपना मौर्या और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल चटपटी रसोई। तो चटपटी रसोई में आज हम कुछ नया डिलीशियस रेसिपी लेके आए हैं और आपको मैं शेयर करने वाली हूँ रेसिपी। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये हमारा मूंग दाल हलवा है। तो आप सोचेंगे कि मूंग दाल हलवा में ये नया क्या बताने वाली हैं, लेकिन नया है। मूंग दाल का हलवा आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आपने हलवा बनाने से पहले इसको भिगोना पड़ता है, इसको मिक्सर जार में पीसना पड़ता है। लेकिन आज हम बनाएंगे झटपट हलवा, ना बिना भिगाने का झंझट, ना इसको पीसने का झंझट। आज मैं नए ट्रिप से बनाने जा रही हूँ। तो इससे एक कटोरी ये मूंग दाल है। अब इसको मैं अच्छे से धुल लूँगी, इसको अच्छे से वाश कर लेना है। बहुत बढ़िया तरीके से हलवा मैं बनाऊंगी, आप देखिए। इसको अच्छे से 2-3 पानी से साफ कर लेना है। देखिए इसमें बहुत सारे पाउडर वगैरह रहते हैं, तो एकदम पूरा आटे की तरह देखिए गंदगी सब निकल रहा है। इसको मैं 2-3 पानी से वाश करूंगी। तो दाल को मैं अच्छे से 3-4 पानी से वाश कर ली हूँ और इसको मैं इसको डालूंगी प्रेशर कुकर में। इसको मैं कुक करूंगी 3 सीटी आने तक, ताकि अच्छे से हमारी दाल पक जाए। क्योंकि इसको ना भिगोना है ना पीसना है, तो कुछ तो नए स्टेप से बनाना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं इसको यहाँ कर ली। और इसमें जिस कटोरी से मैं दाल ली थी उसी से 1.5 गुना पानी मैं लूंगी। एक कटोरी हो गया और हाफ कटोरी और मैं लूंगी। और इसको प्रेशर कुकर बंद करके 3 सीटी मैं लगाऊंगी। गैस का फ्लेम मैं ऑन कर रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे इसको रखना है गैस का, और 3 सीटी आने तक इसको मैं कुक करूंगी। यहाँ पे मेरा 3 सीटी हो गया है। अब इसको मैं ओपन करूँगी इसका गैस निकाल करके, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। 3 सीटी आने तक मेरी दाल अच्छे से पक गई है और इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। देखिए मैं दिखा रही हूँ मैश करके कि मेरी दाल अच्छे से जल रहा है, काफ़ी ठंडा करके मैं दिखा रही हूँ। देखिए ऐसे मिस जा रही है, समझे कि हमारा दाल हो गया है। और इसको गर्म ही निकाल के एक बाउल में इसको मैश भी करना है 1 स्पून की सहायता से। गर्म रहे तो ही मैश कर दें, नहीं तो ठंडी हो जाने के बाद फिर आपको मिक्सर में पीसना पड़ेगा। इसलिए गर्म रहे तभी 1 स्पून की सहायता से इसको मैं इसी में मसल लूँगी। इसको इस तरह स्पून की सहायता से इसको ऐसे इसको मसल लेना है, ताकि हमारी दाल खड़ी खड़ी ना रहे। और इसको मिक्सर में बिल्कुल ना पीसे, नहीं तो एकदम बारीक ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा दानेदार हलवा हमारा नहीं बनेगा। अभी इस तरह से कुकर में 3 सीटी लगाने के बाद, कुक करने के बाद अब इसको केवल इसी तरह से ही मैश करना है अच्छे से। इसको गर्म में ही मैश करें, देखिए कितनी आसानी से हो जा रहा है। नहीं यह ठंडा हो जाएगा तो ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, देखिए अच्छे से हो जा रहा है। इसी तरह इसको मसल के रेडी कर लेना है। इससे पहले आप सोच रहे होंगे लोग कि बिना भिगाए बिना मिक्सर में मिक्स किए ये कैसे बनाएंगी। तो देखिए मैं कितना इजी तरह से इसको मैं बना रही हूँ। जिसके घर मिक्सर जार ना हो तो भी हलवा मूंग दाल के बना के गर्मा गर्म खा सकते हैं। बहुत देखिए हमारा ये अच्छे से मैश हो गया है। अब इसमें कहीं भी खड़ा दाल नहीं दिख रही है, देखिए हल्का हल्का एक दुक्का रहेगा खड़ा, तो एकदम से इसको मैश भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा रहता है लेकिन ऐसे ही चाहिए। देखिए इसी तरह हमको कर लेना है। अब मैं कढ़ाई चढ़ाऊंगी, गैस का फ्लेम मैं ऑन कर दी हूँ। अब इस पर मैं कढ़ाई रखूँगी और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच घी, थोड़ा ही डालूंगी। अभी मैं ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा फ्राई करूंगी, जो हलवे में डालना है उसको मैं थोड़ा फ्राई करके
कर लेंगे जब तक पिघल जाए। उसके बाद ये मेरा गरम हो गया है। अब इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, ये बादाम है और इसमें काजू है। आप अपने हिसाब से जो पसंद हो वो आप ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकती हैं। इसको मैं गोल्डन ब्राउन कलर दूंगी, भून के इसको मैं निकाल दूंगी। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मेरा भून गया है, अब इसको मैं निकाल लूंगी एक बर्तन में। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मैं निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं और घी ऐड करूँगी यहाँ पे, क्योंकि मूंग दाल में घी ना हो ना तो हलवा हमारा अच्छा नहीं बनता है, इसलिए घी की यहाँ पे कंजूसी आप बिल्कुल ना करें। और गर्म हो जाए घी तब मैं एक मैं सीक्रेट बताऊँगी आपसे। घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें एक स्पून गेहूँ के आटा है। मैं इसमें इसको डाल के और चलाते हुए एक मिनट तक इसको भूनने लेना है। एक मिनट तक भूनने के बाद फिर हम डालेंगे जो मूंग दाल जो मैं मैश करके रखी हूँ उसको मैं डालूंगी। आटा हमारा एक मिनट तक भून गया है, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी ये जो मूंग दाल मैं मैश करके रखी हूँ, अब इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। इसको भी अच्छे से भूनना है इसमें। डाल के देखिए अब इसी को इस तरह से भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। इसको चलाते रहना है बिल्कुल, थोड़ा सा शुरू में हल्का सा चिपकेगा लेकिन थोड़ा सा भून जाएगा तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये आसानी से भूनता है, कोई दिक्कत नहीं करता है। इस तरह इसको चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। 10 से 12 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, अभी यही कंडीशन है। इसको भूनने में थोड़ा समय लगता है, घबराए नहीं। इसको भूनते भूनते हमको लग रहा है 20-25 मिनट लगेगा तब ये जाकर अच्छे से भूनेगा। हलवा बनाने में बिल्कुल घबराए नहीं, आराम से बनाएं। इसको चलाते हुए ब्राउन तक हमको इसको गोल्डन भूनना है। फ्रेंड्स देखिए इसको हमको 15 मिनट से अधिक हो गया है भूनते हुए। देखिए दानेदार एकदम हो गए, कैसे एकदम बिल्कुल अलग अलग हो गया है, परफेक्ट एकदम पूरा दिख रहा है। और अब इसी तरह हमको अभी 2 से 3 मिनट या देखती हूँ 3-4 मिनट और लगेगा भूनने में। जब तक कढ़ाई में इसकी आवाज़ डालने लगे खर खर की तब तक इसको भूनना है। अभी थोड़ा सा मैं इसको और लाल करूँगी, मैं सोची आपको दिखा दें कि भूनते हुए ये कैसा हो जाता है। 3 से 4 मिनट और मेरे को भूनते हुए हो गया है। अब देखिए कढ़ाई में से इसकी आवाज़ आ रही है। फ्रेंड्स इसको शुरू में 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूजे और उसके बाद मैं हाई फ्लेम पे इसको जल्दी जल्दी चलाते हुए भूनी हूँ। अब जाके मैं यहाँ गैस का फ्लेम थोड़ा सा स्लो की हूँ। अब इसमें मैं इसी स्टेज पे डालूँगी दूध। तो ध्यान रहे जिस बर्तन से आप मूंग दाल लें उसी बर्तन से उतना ही चीनी भी ऐड करना है और उतना ही उसी कटोरी से मैं 4 कटोरी इससे मैं मूंग दाल ली थी, एक कटोरी थी इसी से मैं 4 कटोरी यानी 4 गुना इसमें दूध पड़ेगा तो आपका मूंग दाल परफेक्ट बनेगा। और एक ही बार में नहीं डालना है, मैं 1 कटोरी डालनी हूँ और इसको मुझे चला के इसको अच्छे से मूंग दाल एब्जॉर्ब कर ले दूध को, तब तक इसको ऐसे चला के इसको सुखा भूनना है। जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तब फिर मैं और दूध डालूँगी। अब हमारा मूंग दाल दूध को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है, फिर यहाँ पे मैं दूसरी कटोरी डालूँगी। ये दूसरी बार है, 1 कटोरी मैं और यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें। इसको भी ऐसे ही चला के 1 मिनट तक इसको ऐसे चला के पका लेना है। जब ये मूंग दाल दूध एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, मीडियम कर रही हूँ, और ये एब्जॉर्ब कर लेगा तब फिर मैं और दूध ऐड करूँगी इसमें। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए धीरे धीरे मूंग दाल हमारा दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। देखिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा केसर में डालूँगी कलर आने के लिए, इससे कलर अच्छा आएगा।
और यहीं पे फिर मैं एक कटोरी और दूध डालूंगी। ये हमारा तीसरा कटोरी दूध है, चार कटोरी यानी चार गुना हमको डालना है दूध। अब इसको फिर से मैं इसको उसी तरह सेम प्रोसेस में ही वैसे ही पकाऊंगी एक दो मिनट के लिए। देखिए ये तीसरा कटोरी भी मूंग दाल अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ पे मैं एक कटोरी और ये चौथी कटोरी मैं इसमें दूध ऐड करूंगी। ये मेरा चार कटोरी हो गया। अब इसमें मैं नहीं डालूंगी दूध और पानी कुछ भी नहीं इसमें डालना है। अब इसी को पका लेना है। देखिए अब हमारा दूध मूंग दाल एब्जॉर्ब कर लिया है। अब यहाँ पे मैं उसी कटोरी से एक कटोरी मैं यहाँ पे चीनी ऐड करूँगी इसी स्टेज पे। और ध्यान रहे चीनी डालने पे ये थोड़ा सा ढीला होगा, और इसको ऐसे चलाते हुए इसको पका लेना है अच्छे से जब तक कलर चेंज ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए। मूंग दाल का हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। आप एक बार अपने घर में सेम इसी तरह बना के अब देखिए कि हलवा कितना टेस्टी स्वादिष्ट बनता है। और ये कितना इजी ट्रिक से मैं बना रही हूँ, घर में मेहमान कभी भी आ जाए बना के ऐसे हलवा खिला के लोगों का आप दिल जीत सकती हैं। बहुत स्वादिष्ट बहुत टेस्टी बनता है। चीनी डालने पर देखिए ये कितना पतला हो गया है, इससे घबराए नहीं। इसको मीडियम फ्लेम पे गैस का फ्लेम यहाँ पे थोड़ा सा लो करके और इस तरह पकाइए जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ऐसे ही इसको ठीक होने तक पकाना है चलाते हुए, नहीं तो ये नीचे कढ़ाई के बॉटम में लग सकता है। नहीं चलाएंगी तो इसको हमेशा चलाते रहना है। हलवा अब हमारा रेडी हो चला है। मुझे सारा चीनी भी एब्जॉर्ब करके सूखा हो चला है। अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, टेस्ट इससे बढ़िया आएगा। और यहीं पे मैं दो चम्मच घी ऐड करूँगी। ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे घी नहीं डालेंगी तो मूंग का दाल का हलवा आपका अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि रेस्टोरेंट ढाबा शादी ब्याह कहीं भी जाती हैं तो देखती हैं कि उसमें घी ज़्यादा दिखता है, और घी इसमें डालने से ही टेस्ट आएगा। घी नहीं रहेगा तो इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, इसलिए घी की कंजूसी बिल्कुल ना करें। और इस तरह से बनाइए। अब थोड़ा सा इसको दो मिनट के लिए और मैं पकाऊंगी, फिर हमारा हलवा रेडी हो जाएगा गर्मा गर्म खाने के लिए। हलवा अब हमारा रेडी हो चला है। इस अभी इस स्टेज पे मैं जो ड्राई फ्रूट्स रखी थी ये एक्चुअली मेरा मैं इसको घी में फ्राई करके रखी थी तो इसलिए मैं लास्ट में डाल रही हूँ, इसको फ्राई नहीं करना है। और इसमें इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और देखिए कि हलवा कितना अच्छा प्यारा दिख रहा है। अब हलवा बन के हमारा रेडी है, लेकिन एक दो मिनट और मैं इसको पकाऊँगी। हलवा अब हमारा बन के रेडी हो गया है। देखिए रेडी हो जाता है हलवा तो इसका पहचान है। देखिए कैसे सब एक जगह ये देखिए इकट्ठा होने लगा है। देखिए सब एक जगह गोल गोल जैसे इकट्ठा हो रहा है, यानी अच्छे से हमारा हलवा बन के रेडी है। अब इसको मैं एक बर्तन में निकालूंगी। देखिए इसमें से खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रहा है, जी तो कर रहा है कि यही खा लें, बहुत टेस्टी है। अब मैं बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ आपको दानेदार हलवा मूंग का। इसी तरह आप भी बनाइए, बहुत टेस्टी लाजवाब एकदम बन के रेडी है। देखिए फ्रेंड्स मेरा गर्मा गर्म मूंग के दाल का हलवा रेडी है। आप भी इसी तरह अपने घर में बनाइए, लोगों को खिलाइए, बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, फिर मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।